गुरुवार एटले कि 8 डिसेम्बर सांजनो समय गुजरात चूंटणी परिणाम लगभग स्पष्टता तमाम रिकॉर्ड तोड़ता भाजपे 182 156 बैठक जीती थी। चूंटणी प्रचार दरमियान सरकार बनावानो दावो करी रहेली आम आदमी पार्टी मात्र 5 सीट सुधी ज सीमित होय एवुं लागी रह्युं हतुं। निराशाजनक परिणाम वच्चे अरविंद केजरीवाल कैमरा सामे आव्या अने खुशी व्यक्त करवा लाग्या। अरविंद केजरीवाल कैमरा सामे आव्या अने खुशी व्यक्त करवा लाग्या अने कह्युं अमारी तमारी आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बनी गई छे। गुजरातनी जनता ने अमने राष्ट्रीय पक्ष बनाव्या छे। देश में बहु ओछी पार्टीओने राष्ट्रीय पार्टीनो दरजो मळ्यो छे। आम आदमी पार्टी मात्र 10 वर्ष में आ सिद्धि मेळवी छे। राष्ट्रीय पक्ष बनवा माटे आप माटे सौथी सरल शपथ चार विराजों में विधानसभा चूंटणी में ओछा में ओछा 6% मत मेळवानी हती। 2020 ની દિલ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં આપને કુલ 53 વોટ મળ્યા હતા। 2022 ની પંજાબ એસેમ્બલીમાં 42% વોટ અને ગોવા વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 6.77 વોટ। નમસ્કાર, સબસે પહેલે સભી આમ આદમી પાર્ટી કે કાર્યકર્તાઓ કો સભી દેશવાસીઓ કો બહોત બહોત બધાઈ। આપકી આમ આદમી પાર્ટી આજ રાષ્ટ્રીય પાર્ટી બન ગઈ હૈ। आज गुजरात चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, काफ़ी नतीजे आ चुके हैं, काफ़ी नतीजे अभी आ रहे हैं और गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। जितने वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले हैं उनके हिसाब से कानूनन अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये बहुत बड़ी बात है। देश में बहुत कम चंद पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। उन चंद पार्टियों में अब आपकी आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है। महज 10 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी, छोटी सी पार्टी, एक जवान पार्टी जिसको अभी 10 साल हुए बस। उसकी दो राज्यों में सरकार है और आज वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये जब लोग सुनते हैं तो अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। बहुत आश्चर्यजनक अचीवमेंट है एक तरह से आप सब लोगों का। मैं गुजरात के लोगों को खासकर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपसे। मैं अभी जब गुजरात जितनी बार आया चुनाव के दौरान, आपसे जो प्यार मिला, सम्मान मिला, विश्वास मिला, उसका मैं ता जिंदगी आभारी रहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत ऋणी रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और गुजरात एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उस किले को भेदने में हम सफल हुए। आज हमें लगभग 13% के लगभग वोट मिला है। अभी तक 39 लाख के करीब वोट मिल चुके हैं और अभी गिनती जारी है, अभी और भी वोट मिलेंगे। इतने लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया, इतने लोगों ने पहली बार में हमें वोट दिया, इसके लिए मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं जिन्होंने इतना प्रेम दिया। जैसा मैंने कहा कि इस बार किला भेदने में सफल हुए, आप सबके आशीर्वाद से अगली बार किला जीतने में भी सफल होंगे हम सब लोग मिलके। हमने पूरा कैंपेन बहुत पॉजिटिव चलाया, कोई गाली गलौच नहीं किया, किसी को हमने भद्दी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, किसी के खिलाफ हम नहीं बोले। हमने केवल ये कहा कि हमने इतना काम किया दिल्ली में, पंजाब में, और अगर गुजरात में मौका मिला तो हम ये काम करेंगे। केवल अपने काम की चर्चा की। हमें गुजरात ने चूंटनी में आपने ओछा में ओछा 6% मत अने बे विधानसभा बैठक की जरूर थी। गुजरात विधानसभा चूंटनी में आपने कुल 13% मत अने 5% बैठक मिली। आ साथ आप माटे राष्ट्रीय पार्टी बनवानो रस्तो साफ थई गयो छे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंटिव न्यूज, सूरत।